तो हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टेकी मास्टर दशरथ। तो गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में लाइट स्पीड प्रॉक्सी ऐप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से लाइट स्पीड प्रॉक्सी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके रिव्यूज रेटेड आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आपको रिव्यूज रेटेड भी इसको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको सारे टेम्पलेट्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, टेम्पलेट्स देखने के बाद आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ठीक है गाइस, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको लाइट स्पीड का वीपीएन का आपको यहाँ पर लोगो मिल जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे एग्री पर क्लिक करना है। ठीक है, इस एग्री पर क्लिक कर दिया और एग्री पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लोगो वापस से आपको फिर से आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और लोडिंग होने के बाद आपकी ये ऐप है जो ओपन हो जाएगी। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है टैप टू कनेक्ट। आपको इस टैप टू कनेक्ट पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पर ऑलवेज अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करना है, आपके यहाँ पर कनेक्टिंग चालू हो जाएगी। या कनेक्टिंग पूरी होने के बाद आपका लाइट स्पीड वीपीएन है जो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद इसमें आप प्राइवेट निजी कंपनी के डाटा को आप आसानी से यूज कर सकेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आपका वीपीएन सर्वर सक्सेसफुली यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है। कनेक्टेड होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको स्पीड टेस्ट करनी है तो यहाँ से आप नेटवर्क की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी चेक करनी है तो यहाँ से नेटवर्क की सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। तो अगर हम पहले नेटवर्क की स्पीड टेस्ट कर सकते हैं तो हमें एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो टेस्टिंग फॉर स्पीड यहाँ पर हो रहा है। ये लोडिंग होने के बाद आपकी स्पीड है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो टाइम डिले और यहाँ पर आपको डाउनलोड एमबी और आपको अपलोडिंग एमबी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो आपकी नेटवर्क की स्पीड आपको पता चल गई है। फिर आपको एक बार बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी चेक करना चाहते हो तो एरो वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पर चेक करने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो सिक्योरिटी आपके सामने आ जाएगी और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर आपको इसमें क्या करना है, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है। इसमें आप होम पर क्लिक करते हैं तो होम में यहाँ पर देख सकते हो आपका जो आपने कनेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लोकेशन सर्वर देखने हैं तो यहाँ पर आपको नीचे यूएस नाउ यूआर 48 यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आपके सामने बहुत सारे सर्वर है जो आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो चेंज सर्वर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बहुत सारे सर्वर है जो मिल जाते हैं। फिर आपको बैक जाना है, आपको जो भी सर्वर सेलेक्ट करना है ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग्स पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस लाइट स्पीड वीपीएन की सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि इस ऐप में वीपीएन सर्वर कनेक्ट कैसे करते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीपीएन सर्वर फिर से डिसकनेक्ट कैसे करना है। तो इस राइट वाले ऑप्शन फाइनली आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर डिसकनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस डिसकनेक्ट पर क्लिक करते ही आपका वीपीएन सर्वर फिर से डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर बैक इस ऐप से बाहर आ जाना है। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि लाइट स्पीड वीपीएन ऐप कैसे यूज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।